हादसे यूं ही नहीं होते, ये एक के बाद एक की जाने वाली छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही हादसा 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था। सिर्फ एक ही रात में ये शहर लाशों के ढेर में बदल गया। इस हादसे की वजह से 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 50 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। और कहते हैं कि इसके असर को अभी पूरी तरह से ख़त्म होने में 24000 साल और लगेंगे। तो आखिर क्या हुआ था 26 अप्रैल 1986 को, आखिर ये हादसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, ये समय था कोल्ड वार का। सोवियत यूनियन और पश्चिमी देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। जहां पश्चिमी देश तेजी से विकास कर रहे थे, वहीं सोवियत यूनियन की विकास की रफ्तार बहुत धीमी थी। इस दौरान सोवियत नेताओं ने एक आधुनिक शहर बनाने का प्रस्ताव रखा। ये शहर यूक्रेन के उत्तर में प्रीपियत नदी के किनारे बनाया गया। इस नदी के नाम पर ही इसका नाम प्रीपियत रखा गया था। सन 1970 में ये शहर बनकर तैयार हो गया और जब ये शहर बना तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, जिसका नाम लेनिन एटॉमिक पावर प्लांट रखा गया, जिसे आज हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुल 4 रिएक्टर थे। वैसे तो इस प्लांट में सारे सेफ्टी टेस्ट हो चुके थे, लेकिन एक टेस्ट अभी भी बाकी था जो नियम के मुताबिक प्लांट शुरू होने से पहले किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस टेस्ट को तब अंजाम दिया गया जब यह प्लांट पूरी तरह से शुरू हो चुका था। इससे पहले भी इस टेस्ट को 3 बार किया जा चुका था और ये तीनों बार फेल रहा था। दोस्तों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन के घूमने की वजह से बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट में ये काम पानी करता है। पानी तेजी से टरबाइन के ऊपर गिरता है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है और बिजली बनती है। वहीं कोयले से चलने वाले प्लांट में कोयले को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है और उसकी स्टीम से टरबाइन घूमता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये काम न्यूक्लियर फ्यूल करता है। न्यूक्लियर फ्यूल के चलने की वजह से पानी गर्म होता है और उसकी स्टीम से टरबाइन घूमता है। दोस्तों, चेर्नोबिल न्यूक्लियर हादसे को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी बनावट को समझना होगा। इस न्यूक्लियर प्लांट के कोर में न्यूक्लियर रिएक्टर हीट जनरेट करता है। इस दौरान 2 वाटर पंप से ठंडा पानी इसके कोर में भेजा जाता है, जिसकी वजह से यह पानी गर्म होता है और स्टीम बनती है, और ये स्टीम टरबाइन को घुमाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कोर में सप्लाई हो रहा पानी ना केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बल्कि कोर को गर्म होकर पिघलने से भी बचाता है। लेकिन क्या हुआ अगर किसी वजह से पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाए? उस कंडीशन में प्लांट के कोर में सप्लाई हो रहा पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा और ओवरहीटिंग की वजह से एक बड़ा न्यूक्लियर हादसा हो सकता था। इससे बचने के लिए प्लांट में 3 जनरेटर लगाए गए थे, जिससे वाटर पंप्स कोर में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के बावजूद वाटर सप्लाई करते रहें। लेकिन जनरेटर्स को शुरू होने में लगभग 1 मिनट का समय लगता था। ऐसी कंडीशन में इस 1 मिनट के गैप को भरने के लिए प्लांट के ऑपरेटर्स का प्लान था कि क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले टरबाइन से ही इन पंप्स को पावर दे दिया जाए। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की कंडीशन में अगर वाटर सप्लाई कोर तक ना भी हो तो भी टरबाइन तुरंत घूमना बंद नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में यह टरबाइन ही पंप्स को पावर दे देगा और जनरेटर शुरू होने से पहले पंप्स को बिना रुके चलाने के लिए इतना पावर काफ़ी होगा। दोस्तों, 25 अप्रैल 1986 को इस टेस्ट को अंजाम दिया जाना था, जिसके लिए पावर आउटपुट को 700 मेगावाट तक लाना जरूरी था। दिन के ठीक 1:06 पर पावर आउटपुट को 3200 मेगावाट से 1600 मेगावाट पर लाया जाता है। ऐसा करते ही प्लांट डायरेक्टर के डेस्क पर रखा फ़ोन बजने लगा। ये फ़ोन था कीव में स्थित पावर ग्रिड ऑफिशियल का। उन्होंने प्लांट डायरेक्टर को बताया कि इस समय वो पावर डाउन करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के टेस्ट 10 घंटे बाद किए जाएं। इसी बीच शिफ्ट चेंज हो जाती है और नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स को इसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। यहीं पर गलतियों की शुरुआत होती है। 26 अप्रैल रात के 1:23 में ये टेस्ट फिर से शुरू किया जाता है। डिप्टी चीफ इंजीनियर एटोनली डेटलॉग इस टेस्ट को डायरेक्ट सुपरवाइज कर रहे थे। इस दौरान पावर आउटपुट को 3200 मेगावाट से 700 मेगावाट पर लाया जाता है, ताकि एक ब्लैकआउट वाली कंडीशन बनाई जा सके। दोस्तों, आरबीएम के न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट ब्लॉक्स के अंदर फ्यूल रॉड्स डाली जाती हैं, जिसमें यूरेनियम एटम स्प्लिट होकर आपस में टकराते हैं और इस टकराव में एनर्जी जनरेट होती है और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, और ये न्यूट्रॉन दूसरे स्प्लिट एटम से टकराते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन पैदा होता है। दोस्तों, ये रिएक्शन होता ही रहेगा अगर इस पर ब्रेक न लगाया जाए, इसलिए इन ग्रेफाइट ब्लॉक्स के अंदर जिसमें न्यूट्रॉन चिपक जाते हैं और रिएक्टिविटी पर ब्रेक लगता है। रिएक्टर जितना ज़्यादा गर्म होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, इसलिए इसमें सप्लाई होने वाला पानी इसमें कूलेंट का काम करता है और पानी से जनरेट होने वाली हीट रिएक्टिविटी को बढ़ाती है। ये एक ऐसा इनविजिबल डांस है जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हमेशा चलता रहता है। दोस्तों, एक चीज़ और है जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल बर्न होता है, उस टाइम उसके कोर में ज़ेनॉन गैस भी बनती है, जिसे पॉइजन कहते हैं। ये कोर में रिएक्टिविटी को कम करती है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी फुल कैपेसिटी से चलता है, उस टाइम ये पॉइजन
कोर से बर्नआउट हो जाता है और किसी तरह की प्रॉब्लम इससे नहीं होती। लेकिन जब आउटपुट को 3200 मेगावाट से 700 मेगावाट पर लाया जाता है उस दौरान इसके कोर में पॉइजन बनने लगता है। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी फुल कैपेसिटी से नहीं चल रहा था इसलिए पॉइजन बर्नआउट नहीं हो पाता और इसकी वजह से कोर में रिएक्टिविटी घटने लगती है, जिसकी वजह से आउटपुट में पावर घटने लगता है और रिएक्टर स्टॉल पोजिशन में जाने लगता है। दोस्तों ऐसे केस में इसे फिर से एक्टिव पोजिशन में आने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। ऐसे में टेस्ट को बंद कर दिया जाना चाहिए था लेकिन टेस्ट फिर भी जारी रहा। ये देखकर चीफ इंजीनियर रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोर से बोरॉन रॉड्स को निकालने का ऑर्डर देते हैं। उन्होंने कुल 211 कंट्रोल रॉड्स में से 205 कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल दिया, जिससे कोर में सिर्फ 6 कंट्रोल रॉड्स बची। इस दौरान प्लांट में सप्लाई हो रहा पानी कोर में जाना बंद हो गया, इससे इसकी कोर में बचा हुआ पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया और इसका कोर खाली हो गया। इस खाली जगह को भरने के लिए फ्रेश पानी नहीं आ रहा था। इस दौरान स्टीम बढ़ने लगी और रिएक्टिविटी अचानक से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कोर में बन रही ज़ेनॉन गैस बर्नआउट हो गई। अब रिएक्टिविटी पर ब्रेक लगाने के लिए ना तो कंट्रोल रॉड्स थी, ना ही फ्रेश वाटर था और ना ही ज़ेनॉन गैस थी। ये देखकर प्लांट के इंजीनियर्स ने रिएक्टर को पूरी तरह से बंद करने के लिए AZ5 वाला बटन दबाया। ऐसा करने से सारी कंट्रोल रॉड्स एक साथ कोर में एंटर हो जाती हैं और रिएक्टिविटी बंद हो जाती है। लेकिन ऑपरेटर के AZ5 बटन दबाते ही पावर 200 मेगावाट से 33,000 मेगावाट तक पहुंच जाता है। दरअसल RPM के रिएक्टर में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। दरअसल कंट्रोल रॉड्स बोरॉन की बनी थी लेकिन उनकी टिप पर ग्रेफाइट लगा था और ग्रेफाइट रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। ऐसे होते ही कोर का सारा बचा हुआ पानी स्टीम में बदल जाता है और एक बड़े ब्लास्ट से कोर की बायोलॉजिकल शील्ड टूट जाती है, जिससे कोर में ऑक्सीजन एंटर होने लगती है। और ऐसा होते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सारा रेडिएशन शहर में फैलने लगता है। आग लगने की वजह से फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है। फायर फाइटर्स आग बुझाने में तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन वो भी रेडिएशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों पहले तो सोवियत सरकार ने इस हादसे को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब स्वीडन तक रेडिएशन पहुंच गया और स्वीडिश सरकार ने जब इसका टेस्ट किया तो उन्हें इस बात का पता चल गया कि ये सोवियत रिएक्टर फ्यूल का ही बाय प्रोडक्ट है। इस बीच अमेरिका ने अपने सैटेलाइट से चेर्नोबिल हादसे की तस्वीरें कैप्चर कर ली, जिसकी वजह से सोवियत सरकार को इस हादसे की बात को मानना पड़ा। कहते हैं आज भी इसके कोर में फ्यूल सुलग रहा है जो कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकता है। हालांकि अब यूक्रेन की सरकार ने लगभग $2 बिलियन खर्च करके इसके ऊपर एक कंटेनमेंट शील्ड लगा दी है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम हर हफ्ते ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।